कर है। जिस दिन सुशांत की हत्या हुई थी, मौत हुई थी, उसी दिन 10 मिनट के बाद मैंने कहा था कि सुशांत सीबीआई इंक्वायरी हो। सब लोग डेढ़ महीने तक शांत रहे। मैं उस दिन भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती का किसी भी कीमत पर अंडरवर्ल्ड से संबंध है, रिया चक्रवर्ती का नारकोटिक से संबंध है, रिया चक्रवर्ती का कॉरपोरेट से संबंध है, रिया चक्रवर्ती का कम्प्लीट रूप से पॉलिटिशियन से संबंध है। रिया चक्रवर्ती और चार लोग कौन है और कौन कौन लोगों की नजर सुशांत के पैसे पर थी, ये सवाल हम बार बार करते रहे थे। और आज दर बदर जब पप्पू यादव ने रिया चक्रवर्ती को मर्डरर कहा था तो लोग हम पर सवाल खड़ा किए थे। मैं उस दिन भी ये कंप्लीट तय था कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, सुशांत आत्महत्या नहीं किया है, सुशांत को मारा गया, सुशांत का मर्डर है। और जिस तरीके से डेढ़ महीना में सुशांत की सारी लिपापोती कर दी गई, और पता नहीं, मुझे डर है, मैं बार बार कहता हूं हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में सुशांत की जांच हो, सीबीआई आधा केस सीबीआई नहीं सॉल्व कर पाती है और फिर सुशांत आरुषि जैसी मिस्ट्री कांड न बन जाए। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सुशांत के मर्डर का पूरा खुलासा हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।